हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, फराज कुकिंग चैनल में आज हम अंडे आलू का सालन बनाएंगे। इसको बनाने के लिए पहले स्टेप में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। प्याज दो बड़े साइज़ के, इनको आप काट लें। दो मीडियम साइज़ के टमाटर, हमने इसकी स्किन उतारनी है पहले। गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, जिंजर पेस्ट 1 टेबल स्पून, स्पाइस में यहाँ 2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, यहाँ साल्ट का इस्तेमाल करना है। इन सारी चीज़ों को हमने कुकर के अंदर डालना है और 1 कप या 1.5 कप पानी डाल के 15 मिनट के लिए विसल चलने के बाद हमने कुकर को चलाना है। हीट ऑन करने के बाद पानी डाल दें। प्याज, छिलका उतरे हुए टमाटर, गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट, इसके साथ साथ सारे ये स्पाइस डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम कुकर को बंद कर देंगे। अब 15 मिनट के लिए इसको चलने देंगे। दूसरे स्टेप में हमें जिन चीजों की जरूरत है वो आप नोट कर लें। 5 मीडियम साइज के आलू, इनकी आप स्किन उतार लें और नमक लगे ठंडे पानी में भगो के रख दें। जीरा 1/2 टीस्पून, ड्राई मेथी 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, इसके अलावा करी पत्ता, यहाँ चंद करी पत्ते ले लें, मेथी दाना 1/4 टीस्पून, इसके साथ साथ यहाँ ड्राई चिली 2 से 3 अदद। लास्ट में हमें ग्रीन चिली और धनिया चाहिए होगा। 8 से 10 अदद अंडे लेके उनको आप फुल बॉईल कर लें। यहाँ कुकर को खोल दिया है, अब हम इसको एक साइड पे कर देंगे और एक दूसरा बर्तन लेके इसमें 1/2 कप ऑयल डाल देंगे। साथ ही जीरा डाल देंगे। जीरा डालने के 1 मिनट बाद ही हमने कड़ी पत्ता, मेथी दाना और ये चिली डाल देंगे। मज़ीद इसको 1 मिनट के लिए हमने भूनना है। अब इसके अंदर हमने जो ये मसाला बनाया था, ये अब इस मसाले को हमने 10 मिनट के लिए ड्राई होने तक भूनना है। यहाँ अंडे उबालने के लिए रख दिए हैं और इनको हमने फुल उबालना है। 10 मिनट के बाद मसाला काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर कटे हुए ये आलू डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर ड्राई मेथी और गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। अब इस मसाले को मज़ीद हमने 10 मिनट के लिए भूनना है। भूनने के बाद हम इसके अंदर हसबे ज़रूरत पानी डाल देंगे और इसकी करी बना लेंगे, ग्रेवी बना लेंगे। यहाँ मेथी दाना और मेथी डालने से
ये जो प्याज है इनकी जो मिठास है ये ख़त्म हो जाएगी काफ़ी हद तक, और इससे जायका भी बहुत अच्छा आएगा। आलू डालने के बाद भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर पानी डाल देंगे। अब इसको मीडियम आंच पर 15 मिनट के लिए हमने कुक होने देना है। जब हमारे ये आलू अच्छी तरह गल जाएंगे तो हम इसको हीट को बंद कर देंगे। आलू गल चुके हैं, अब हमने हीट ऑफ कर देनी है और इस स्टेज पर इसके अंदर ये उबले हुए अंडे भी डाल देने हैं। साथ ही इसके अंदर ग्रीन चिली और ये धनिया डाल देना है। हमारा ये अंडे आलू का सालन तैयार है। इसको आप नान या चपाती के साथ खा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। मैं इसी तरह की अच्छी रेसिपीज लेके आपके पास हाज़र होंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।